ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਉੱਠਣੀ ਉੱਠਣੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਹੱਕ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ मान के चलिए कि जगीर कौर हरीता पक्का ही हार जाएंगे तुहानू कोई भुलेखा मैं अज थोड़े टेबल ते कह के चलिया 20 वोटां तो वध वोटां नहीं पै सकदियां बीबी जी नूं भावें विरोधी साढ़े 30 बंदे भी हैगे जी श्रोमणी अकाली दल जां मिस्टर बादल बीजेपी नाल टाई अप करन फिर कोई दिक्कत नहीं जदों कोई होर टाई अप करे वो तुहानू तकलीफ दिंदा अज भारतीय जनता पार्टी के कुछ नुमाइंदे जिहदे च कमीशन के चेयरमैन है लालपुरा साहब ते लोकल इन्हां दे कई लीडर माफ करना करड़े शब्द है कि आरएसएस ते बीजेपी दा सीधे तौर ते गुरुद्वारा साहब ते कब्जा पंजाब दे जिहड़े लोक आ ओह नहीं होण देणगे तुसीं इह गरंटी दे सकदे हो कि 2024 तों बाद तुसीं बीजेपी नाल नहीं जाओगे इहदा की लेना देना है सियासी गठजोड़ किसी भी पार्टी नाल हो सकदा किते भी हो सकदा पर पंजाब दे हितां नाल समझौता किते नहीं हो सकदा पंजाब नूं श्रोमणी अकाली दल दी लोड़ हैगी इह 100% है हिंदुस्तानियां दी कह लईए जां पंजाबियां दी पहली पार्टी जे कह लिए आपकी हैगी तो वो श्रोमणी अकाली दल तुहाडे विरोधी कहिंदे श्रोमणी अकाली दल की लोड़ हैगी पंजाब तुहाडे कट्टड़ विरोधी गल कहिंदे आ तां कहिंदे बादलों की लोड़ है सारे बादल परिवार मगर क्यों पए है मैनूं एक गल समझाओ ना क्यों पए है उहदा कारण एक है कि सारियां विरोधी पार्टियां जिहड़ियां कोई कोई जिहड़े पार्टी का लीडर हुंदा ना वो सोचदियां वो आपकी थ्योरी से कम करदियां कि लीडर नूं मार लो पार्टी आपे मर जाऊ अज दिल्ली वांगू सारा कुछ ही चक के ले जा सकते हैं ये सरदार सुखबीर सिंह बादल ही है जिहड़ा सारे कुछ पैर अड़ाई बैठा जस टीवी देख रहे तुसीं मैं केपी सिंह व्यू पॉइंट विच तुहाडा सब दा स्वागत करदा श्रोमणी अकाली दल खेतरी धिर ते देश दी सब तो पुरानी धिरां विच शुमार हालांकि अकाली दल ये दावा करता है कि साडी धिर सब तो पुरानी है पर जे रिकॉर्ड विच देखिए तो कांग्रेस तो बाद यह दूजे नंबर की सब तो पुरानी धिर है 100 साल तो वध इन्हां दा इतिहास है पर अजकल हालात इहो जिहे है कि लगातार सवाल उठते पे है इन्हां सारे सवालों का जवाब लवांगे तो श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल के सियासी सकत्तर ते स्पोक्सपर्सन ते ऑफिस बीरर चरणजीत सिंह ब्राड साडे नाल ने ब्राड साहब तुहाडा बहुत स्वागत है सर धन्यवाद जी की हाल है तुहाडा चढ़दी कला अकाली दल का हाल ठीक नहीं लगता बिल्कुल चढ़दी कला थानू किने क्या ठीक नहीं है पंथ हमेशा चढ़दी कला च ही रहिंदा हुंदा ये जित्तां हारां जे तुसीं पार्टी की गल की है तो पार्टी तो 64 सालों बाद पहली बार कितने राज भाग के नेड़े गई सी राज सत्ता च होना कोई पार्टियां का जरूरी नहीं लोगों की आवाज़ उठाउणा लोगों की आवाज़ बन के रहना यह जरूरी हुंदा तुसी 3.5 दहाके तो पोलिटिकल एक्टिव हो तो एक बार तुसी इलेक्शन भी लड़ चुके हो तुहानूं सब तो खराब दौर अकाली दल का किहड़ा लगदा क्योंकि तुसी अकाली दल के पहला गवांढी रहे हो उस तो बाद तुसी पार्टी में आए हो देखो दो गल्लां ने जिहड़ा सब तो खराब दौर जे देखो तो मेरा उदो बचपन सीगा जवानी नूं पैर धर रहे सी ते 89 वाला सीगा जदों पिंडां च जांदे सी ते लोक जिहड़े है बहुत बुरे तरह का वर्ताव करदे सी अज दे लोक तो शायद पढ़ लिख गए है उस तरह का वर्ताओ शायद अज कोई किसी पार्टी नाल भी ना करता होवे किसी विरोधी नाल भी ना करता होवे इहो जिहे इहो जिहे वर्तारे जिहड़े है साडे नाल 89 दे विच वापरे जिहड़े बयान नहीं किए जा सकते और सब तो माड़ा दौर उहदा कारण सब तो वड्डा होर भी मैं दस दिना तुहानूं कि जदों इलैक्शन चल रहा सी ते साडे 27 उम्मीदवार जिहड़े है वह मार दिते गए सी 27 उम्मीदवार सिखां दी ते पंथ दी नुमाइंदा जथेबंदी सी पर इहनूं जिहड़ियां धिरां ने उस वेले का काला दौर शुरू कराया सी उन्होंने ही वो कतल करवाए सी पर 27 उम्मीदवार मारे जाने तो बाद भी जदों पता लगा इंटैलीजेंसी दी रिपोर्टां नाल कि अकाली दल फिर भी सरकार बना लिया तो तुहाडे याद होना 24 घंटे पहला जिहड़ा इलैक्शन है वह पोस्टपोन कर दिता गया इस करके माड़ा दौर तो वह सी अज दे माड़े दौर नूं मैं माड़ा दौर नहीं कहना गा क्योंकि उहदा कारण है कि जे दूजी वारी सरकार ने नहीं बनी कोई गल नहीं फिर की हो गया पर 18-20% लोगों की तुसीं नुमाइंदगी कर रहे हो उस वेले तो 6-7% वोटों वाले लोग सरकार बना गए उदों तो एडा काला माड़ा दौर सीगा इस करके अज भी जे 20% वोटां लोगों ने सानू पाईआं 20% लोगों का भरोसा साढ़े च सीगा इहनू 35-40 जां जिन्ने लोड़ींदे आ उन्ने ते किवें लैके जाणा असीं लोगों के दसे हुए सुझावों मुताबक उहदे ते काम कर रहे हैं और परमात्मा मेहर करे बड़ी जल्दी इच्छा ते पूरे उतरांगे लोगों की बादलों ते बराड़ां दा 36 दा अंकड़ा रहा तो ये बराड़ तो बादलों के नेड़े ही बहुत है वजह की है नहीं मैनू लगता है भी थोड़ी गलत बयानी है
बादलों ते बराड़ां दा कोई छत्ती दा अंकड़ा नहीं रहा, किसी बराड़ धिर दे विचों लीडर कोई रहे होण तां ओह जरूर तिकर बराड़ां नहीं हराया बादलां नूं, इस तों इलावा किसे ने हराया। दो दो गल्लां है, मैं उस तों भी जावड़दा, जे पहली वारी सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब नूं हराया सी वह भी सा हरचरण सिंह बराड़ सीगे, काका सरा वाला वजदे सी उस टाइम साडे एरिए दे विच, क्योंकि असीं साडा ही इलाका सी गिदड़वे तों बादल साहब लड़दे सी, गिदड़वे तों ही ओह लड़दे सी। तां जदों ओह हराया सी ते ओह सारी दुनिया नूं पता है कि मौके दे SDM ने, क्योंकि उदों वोटां दूजियां हुंदियां सीगियां ते धक्के नाल हराया सी। और यह भी कहावत बनी है बादल साहब दे राज भाग जां इन्ना लम्मा सियासत च रहण दे कारण भी यह बने कि वह एक पासे वह अफसर जदों सरकार बन गई डरदा फिरे, तो बादल साहब ने उन्हूं कहा कहिंदे काका बह जा चाह पी ते तू यह दस भी लगना कित्थे है। तो मतलब वह अफसर ज हर थां ते उदाहरणां दिंदा रहा जिहदे नाल बादल साहब का कद उल्टा वड्डा हुंदा गया कि मैथों तां इन्ना धक्का कराया गया सीगा ते मैनू तो झटकण की बजाय जां मेरा नुकसान करन की बजाय मेरी मंग की पोस्टिंग मैनू दित्ती। मतलब इस करके वो पहली बारी उन्होंने हराया सी, जां सत सुखबीर सिंह बादल साहब एक बारी जगमीत सिंह बराड़ साहब तो हरे सीगे, पर छंती का अंकड़ा नहीं कह सकते क्योंकि बहुतात बराड़ां दी बादल साहब दे नाल ही है। यह वक्त होंदा कदे ना कदे, हुण सब तो ज़्यादा बराड़ जिहड़ा करीबी हैगा वह चांदी सिंह बराड़ नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो इवें छोटा जिहा सेवादार हाँ। मैं एक गल कहां कि मैं 35 साल करीब मैनू हो गए है जदों का मैं बादल साहब के नाल असी, क्योंकि साथ सुखबीर सिंह बादल साहब साहब मनप्रीत सिंह बादल ये तो पढ़ते होंगे सी, असी बादल साहब साढ़े हल्के चो इलैक्शन लड़ते सी उस वेले दे बादल साहब नाल, बीबी सुरिंदर कौर बादल नाल, सरदार गुरदास सिंह बादल साहब नाल, साडा उन्होंने छोटे होंदे तो वाह सी। कोई भी प्रोग्राम गिदड़वे हल्के शुरू होना बादल साहब 5 दिन का दौरा कट्ठा रखते, जां साडे पिंड तो शुरू हुंदा सी ते खिड़कियां वाले खत्म हुंदा सी, जां खिड़कियां वाले तो शुरू हुंदा सी ते साडे पिंड आके खत्म हुंदा सी, सारे पिंड भुगता के। इस करके कोई माघी दे मेले दी कॉन्फ्रेंस है, कोई होर कॉन्फ्रेंस आ गई है, किते भी कोई प्रोग्राम आया ते बादल साहब ने हर पिंड दे विच जाके आप बेनती करनी हुंदी सी, ते असीं उदों दरियां बिछाउण वाले हुंदे सी। अज भी भावें असीं चलो पिंड दीआं दरियां तों बाद भावें अज चंडीगढ़ दफ्तर दीआं दरियां वाला काम है साडे कोले, मैं कदे भी जिहड़ा हैगा नेड़ता नहीं समझी इस परिवार दे नाल। वैसे हासे वाली गल है, जिहड़ा बड़ा नेड़े समझो छेती बुड़कदा है। इस करके ये थोड़ा जा जे एक भरोसा उस परिवार का जां लीडर का बनया रहे जिहदे नाल तुसीं काम करदे हो, यही बहुत वड्डी गल हुंदी। ते फिर खिड़की तुसीं मनप्रीत बादल वाल क्यों खोल ली सी? नहीं, उहदा देखो बादल साहब खुद साहब मनप्रीत सिंह बादल की बांह सानूं फड़ा के गए और उन्होंने साडी बांह फड़ा के गए, क्योंकि जदों 95 का बाई इलैक्शन आया थोड़े याद होना सरदार बेअंत सिंह की सरकार समय, तो उस वेले हालात यह बन गए थे कि बादल साहब खुद इलैक्शन नहीं लड़े, उन्होंने साहब मनप्रीत सिंह बादल साहब नूं हलका छड़ता तो देता। फिर जिनी देर साहब मनप्रीत सिंह बादल साहब उत्थे रहे असी उन्हां नाल साए वांगू चले, जो दिन रात काम कर सकते थे उन्होंने किया, फिर वो पार्टी नूं छड़ गए। कुछ समा मैं नाल भी गया, क्योंकि जो तुसीं 16-17 साल जिवें मेरा ख्याल है कि वह दौर ऐसा सी जिन्ना 16-17 साल गिदड़वादी पोलीटिक्स साहब मनप्रीत सिंह बादल साहब ने की, उन्ना वह भी परिवार नाल नहीं रहे होने, मैं भी उन्ना नहीं रहूँगा जिन्नी असी आपस कट्ठे रहे सी। कुछ समा मैं उन्होंने नाल गया तो जितों साडे हालात आपस कई बार मैं पोलीटिक्स के जो सब तो माड़ा दौर किसी लीडर का जां किसी भी कह दें कि सियासत दे विच समझदा है तो उदों समझदा है जदों कि ना कि लीडर परिवार जिहड़ियां गल्लां दे विच घिर के ते कई बार फैसले जिहड़े आ उल्ट ते गलत लैण लग जांदे। कोई फ्रिक्शन सांझी कर सकदे हो कि मनप्रीत समय की गल है? मैं देखो असी पिंडां च इक कहावत है कि एक थाली च खादा, और बहुत सारे मौके ऐसे आए इको प्लेट च भी खादा, मेरा कोई रुतबा नहीं सी उन्होंने बराबर बह के खाण दा जां नाल बह के खाण दा, ये जद्दी पुश्ती राइस लोग ने, पर फिर भी एक साधारण जट के पुत नूं इत्थों तिकर लिआंदा तो उन्होंने भी मैनूं बहुत कुछ उंगली फड़ के सिखाया। मैं कोई गल नहीं कहूंगा। एक निजी सवाल कर ला? जी जी जरूर करो। तुहाडे विरोधी कहिंदे आ कि चंद सिंह बराड़ नूं डरा के श्रोमणी अकाली दल वापस लैके आया उहदे कोल। देखो दो तीन गल्लां ने, इह ना मैं अपनी कमजोरी समझदा कि मैं उस वेले भी साहब मनप्रीत सिंह बादल नाल चले हुए कदमां दा शर्म महसूस करके जां जिहदे नाल कहिंदे आ चल लईए ते उहदे नाल मुड़ के भंडी दा नहीं। इस करके मैं तुसीं उदों दा भी जे दौर याद करो तो मैं कोई भंडी प्रचार नहीं कीता, जदों कोई साडी फ्रिक्शन पई तो मैं चुप करके पिछे हट गया, तो मैनूं उस वेले तो कांग्रेस पार्टी भी कहिंदी सी कि मौड़ तो तू कम करदा तो मौड़ तो ही इलैक्शन लड़नी, पर ना मैं आख्या भी जे कम पोलीटिक्स करनी है तो पितरी पार्टी च करनी है। दूजी गल जिहड़ी रही दौर परचियां दी, 4 परचे मेरे ते कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार च होए सी, और याद करो वह विजिलेंस दा दौर
विजिलेंस का दौर जिवें चलता सी लाल सर प्रकाश सिंह बादल साहब सर सुखबीर सिंह बादल बीबी सुरिंदर कौर बादल साढ़े सारे मंत्रियों तो ला के वो विजिलेंस का दौर मेरे तो शुरू किया गया सी पहला जे 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 मैं डर भय चलन वाला हों ते नाले उदो बतौर तहसीलदार सी मैं सरकारी नौकर तो बंदे नूं डराउणा ही सौखा हुंदा ते चार परचे दे कतर मैं किसे कांग्रसी दे बूहे ते नहीं सी गया जां अदालतां चों बचा कीता जां जिवें मर्जी बचा कीता आपदा इस करके डर पै ना मैं पहला मनदा सी ना मैं उदो मनदा सी कुदरती गल है कि कई गल्लां अंदर बैठे दियां ऐसियां वापर गईयां साहब मनप्रीत सिंह बादल नाल कदे तुसीं सामने आए तो तुसीं उहनां नूं भी पुछ लिओ जिहड़ियां परिवारक गल्लां हुंदियां मैं नहीं उहनां 'च जाणा चाहुंदा ते डर माहौल वाला मैं परमात्मा तो डर के कहना मैं रब तो डरदा और चलो खैर जिहड़े वड्डे बंदे सरकारां दूजा तीजा उहनां दीआं 100 गल्लां दा डर हुंदा पर उस वेले मैं एक गल कह सकदा कि जे मैं उदों नहीं डरिया जदों सरकारी नौकर सी ते जदों मैं पॉलिटिशियन बन गया उदों मैं की डरना सी। चलो मैं एक छोटा वक्फा लेना वक्त तो वापस आवांगे इस तो बाद श्रोमणी अकाली दल बारे सवाल होणगे मिस्टर बराड़ नूं हुण बराड़ दे निजी करियर बारे भी सवाल होया निजी तजर्बे बारे भी सवाल होया तो श्रोमणी अकाली दल दे अज हाल की है तो अगे भविख की है सवाल भी होणगे वापस आ रहे हैं। एक और फिर तुहाडा स्वागत करते हैं चंद सिंह बराड़ साढ़े नाल। चंद सिंह बराड़ हुण बराड़ ज़्यादा परेशान करते पे कि बीबी जगीर कौर? ना कोई बराड़ करता ना कोई बीबी जगीर कौर करती है। इंसान जिहड़ा है वह लालच जिहड़ा इंसानियत दे विच वधदा जांदा है तो जिहड़ा जिहड़ा ज़्यादा लालच करता है वह जिवें कोई मिठे का जलेबियां का लालच कर ले तो शुगर खराब रहिंदा है जे किसी होर चीज़ का लालच करे तो वह खराब करता है हो जाता है। इस करके जिहड़ियां पार्टियां हुंदियां एक दरिया का वहन हुंदियां बड़े जड़े लोग है वो कई बार अपने आप को पार्टी तो उपर समझते समझते खब्बे सज्जे हो जाते हैं वो उन्हों का कुछ की वटदा एक वक्री मजबून है जिमें जिन्हें मेरे समझदारी के मुताबिक वडाला साहब की गल करा ढींडसा साहब की गल कर ला ब्रह्मपुरा साहब जाके वापस आ गए है शेखवा साहब चले गए सी जथेदार टौड़ा साहब साढ़े चज नहीं है उन्होंने गल करनी भावें चलो खैर बीसी मतलब बड़े जड़े पार्टी के लोग निकलते रहेंगे है और पार्टियां कदे ना मरदियां हुंदियां कोई हो सकता है कि जिवें कोई जहाज चलता है तो एक बार बदल आया तो माड़ा जा जिहड़ा कोई अख लगी भी पई हुंदी है विच मुसाफर दे तो उन्हूं लगता भी कुछ होया इदों बाद पार्टी च कम करन वाले वर्करां दा ते पार्टी दे विच लीडरां दा कोई बहुता फर्क नहीं पैंदा। मैं तुहानूं सवाल करदा मिस्टर बराड़ जो तिकर तुसीं अपना कैंडिडेट अनाउंस नहीं कीता सीगा ओह तिकर बीबी जगीर कौर दा हक बनदा सी डेमोक्रेटिक के ओह अपने लिए प्रचार कर सकन ओह अपनी दावेदारी मजबूत कर सकन तुसीं उदों ही उहनां नूं बागी कहना शुरू करता? मेरी बेनती है तुसीं कैंडिडेट तां उस तों बाद अनाउंस कीता? इह कदे कोई पार्टी च रिवाज नहीं है कि जिहड़ी इक गल कह दे कि मैं मंग रखी है और नहीं मंग रखणगे तो मैं तो इलैक्शन लड़ना ही लड़ना है और मैंबरां ने आके कहा है कि वह कह रहे हैं कि मैं तो इलैक्शन लड़ना ही लड़ना है। पार्टी तो कोई उपर नहीं हो सकता यही बीबी जी जे 96 च लिया के सीधे 96 च लिया के एस जी पी सी के मैंबर बनाए 97 च MLA बनाए तो नाल दी नाल ही फिर मंत्री बनाते 99 दे विच जदों जसदार टौड़ा साहब नाल रौला पिया तो नाल दी नाल एस जी पी सी के प्रधान बनाते 2002 च फिर टिकट दिती 2012 च फिर टिकट दिती 2017 च फिर दिती 2019 का MP इलैक्शन लड़ाया चार बारी SGPC के प्रधान बने जवाई इन्हां दे जिहड़े सीगे उन्हां नूं MLA की टिकट दिती। बीबी जी उस मुकाम ते बैठे सन जिथे बैठ के पार्टी फैसले करदी सी किहनूं लड़ाउणा है किहनूं बनाउणा है ते किहनूं की करना है। बीबी जी नूं बाहर मैंबरां कोलों मैंबरी मंगण दी की लोड़ पई सी जदों जदों जिहड़ी पार्टी ने जदों फैसला कर लैणा ते सारे मैंबर पार्टी दे ही हुंदे आ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਪੇਨ ਦੀ ਉਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਕਹਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਭਾਈ ਦੋ ਜਣੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਤੇ ਇਹ ਖੁਦ ਬਾ ਖੁਦ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਮਰਾਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਦੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨ ਕੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 18 ਘੰਟੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੇ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਣਗੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣਨਗੇ ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਈ ਬੀਬੀ ਇਹ ਬਾਦਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਕੌਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜੀ
पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ जो कोई उम्मीदवार खड़ा होगा तो वह संविधानिक कितों उदो गैर संविधानिक मान लो ना तो पहले ही कहना शुरू करता उन्होंने पहला ही कहना शुरू करता सी कि मैं तो इलेक्शन लड़ना ही लड़ना यह तो फिर पार्टी सीधा चैलेंज हो गया ना तो इस करके उन्होंने नोटिस ही दिता है ना नोटिस दिता है तो नोटिस का वह कह दें भी नहीं भाई मैं तो चलो ठीक है जो उम्मीदवार है उन्होंने मन लिया तो ये की ब्राट साहब मैंने दसो जे श्रोमणी अकाली दल जां मिस्टर बादल बीजेपी नाल टाई अप करन फिर कोई दिक्कत नहीं जदों कोई होर टाई अप करे वह तुहानूं तकलीफ दिंदा इह वजह की है देखो दो गल्लां ने जे आपां मन के चलदे आ तुसीं इह कहिंदे हो कि बीबी जगीर कौर दे पिछे बैकिंग है बीजेपी दी दो गल्लां ने पहला मेरी बेनती है कि गुरधामां दे विच दखल कांग्रेस पार्टी ने बड़े बारी देण दी कोशिश कीती पर मूंह दी खाणी पई अज भारतीय जनता पार्टी दे कुछ नुमाइंदे जिहदे च जिहड़े कमीशन दे चेयरमैन है लालपुरा साहब तो लोकल इन्हों कई लीडर ईवन कैप्टन साहब तो ला के ईवन थोड़े कल साढ़े लोकल पद्धर के सरबजीत मक्कड़ वर्गे जे नवे नवे गए है कई बार उन्होंने ज़्यादा चाह हों सारे मैंबर फोन कर रहे हैं फिर जानता बीजेपी के प्रधान साहब नड्डा साहब क्लीयर कर देन भी ये साढ़े तो बागी हुए साडा कोई लेना देना नहीं ये गल तो फिर जिहड़ियां गल्लां बाजार च आ रही जो जे मैंबर फोन कर रहे हैं बीजेपी के बंदे तो फिर वह गल तो गलत है ना एक गल मैं एक बेनती करा कि समझौता होना एक समझौता है बीबी जी ने आपके मूँह बयान किया भी मेरे भुलथ च बादल साहब कहते भी बीजेपी को बनता हिस्सा दो एक गठजोड़ का धर्म हों एक पिछों कहना भी नहीं असी खोलीए जिमें दिल्ली खोली जिमें हजूर साहब का बोर्ड जिमें पटना साहब का यह सारे के सारे किया हूँ हरियाणा बना लिया हरियाणा के भी कद चोन ही नहीं होनी जे ढंग का नोटिफिकेशन हो गया इस ढंग इतने चाहते भी किसी तरीके विंगे टेढ़े ढंग एक बार वड़न की जे वड़ दीए तो फिर बिचों मते पा लाँगे तो फिर सारा कानून बदल लाँगे इस करके जिहड़ा सियासी गठजोड़ होना वो वक्रा है पर कदे भी सीधे तौर पर मैं माफ करना करड़े शब्द है कि आर एस एस से बीजेपी का सीधे तौर पर गुरुद्वारा साहब से कब्जा पंजाब के जोड़े लोग नहीं होने देंगे नहीं तुम चंद सिंह बराड़ इदा नहीं आप देख सकते भी जिमें उत्थे सिखां नूं अधिकार नहीं दिते गए दिल्ली के हरियाणा के उन्होंने अपनी वक्री कमेटी बना ली तो उन्हें बीजेपी आर एस एस बैकडोर तो एंट्री करते हैं तो इवें पंजाब भी यहोजी कोशिश है क्योंकि तुम सिर्फ एक बादल 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 इस तो अलावा कुछ नहीं क्योंकि विरोधी तुहाडे सवाल चुकते मिस्टर बराड़ मेरी यह बेनती है कि पिछले बारी दो कैंडीडेट खड़े हुए एक नूं 22 वोटां पईआं ते एक नूं 125 दे करीब वोटां पईआं इहदे च बादल साहब खड़े सी किते धामी साहब ही खड़े सी ना ते दूजे पासे एक उहनां दा खड़ाया होया उम्मीदवार खड़ा सी ते इस वारी भी उम्मीदवार खड़ना ही सीगा उह भावें बीबी जी दे रूप च होवे हुण जे नहीं वापस लैंदे आपदा नां ते भावें कोई होर होवे उम्मीदवार तां हर वारी खड़दा एक गल तुसीं गलत बयानी कीती है कि दिल्ली दे विच जिहड़ी हैगी है कोई वह किसी कह लिए कि थान नहीं देंदे सी करैक्ट कर दो मेरी हाँ मैं उही बेनती करा दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो बनाई है अकाली दल ने खुद संघर्ष करके बनाई है और 17,000 बंदे ने अकाली दल ने गिरफ्तारी दी सी दिल्ली के तो कुल 7 सी ते पंजाब दे अकाली दल दे लीडर ने तो दिल्ली जाके कदे इलेक्शन नहीं लड़िया जे लड़िया तो दस दो वो दिल्ली की संगत का ही सीगा इस करके वो पहला भी पंजाब की श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिहड़ी कि राजस्थान हरियाणा हिमाचल प्रदेश ते चंडीगढ़ इहदे नाल सांझी नहीं सी दिल्ली की वक्री कमेटी तां बनवाई सी और हरियाणा जिहड़ा साडा कुल 8 गुरुद्वारे है हरियाणा के जिहड़े श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कोल है 10,000 के करीब हरियाणे च गुरुद्वारा होना है सानू की उहदी बना लैण कमेटी पर घट्टो घट जिहड़ी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सेंट्रल एक्ट थले काम करती है तो उहनू तां नहीं ना तोड़ना चाहिए 7 गुरुद्वारिआं दे पिछे एक ते कब्जा करी बैठे कुल 8 सीगे जदों पहलां हुड्डा साहब ने कब्जा कराता सी इक ते तो सत्तां दे नाल कोई एसजीपीसी दा इह नहीं कि कोई बजट हलदा पर सवाल यह है कि अज हरियाणा तोड़नगे कल चंडीगढ़ तोड़नगे परसों हिमाचल तोड़नगे चौथे जिहड़ा हैगा राजस्थान तोड़नगे ते फिर पंजाब दे विच भी माझा मालवा दुआबा भी बना सकते हैं ते एदों वड्डी गल के भी जी जिहड़ी मेरी बेनती है आर एस एस चाहुंदी की है कि हरियाणे दे विच दो तख्त वक्रे ऐलान करा लो कितें होर दो वक्रे करा लो ताँ कि मुख्य अकाल तख्त साहब की महानता ही जिहड़ी है ढाटे दी बहुत वड्डा बयान दे रहे हो 100% मैं श्योर हाँ इस गल ते जे फिर नहीं तो वक्री कमेटी बनाउण दा इहनां नूं की लोड़ पई है जी मैनूं एक गल दसो खट्टर साहब नूं जां बीजेपी दी लीडरशिप नूं वक्री कमेटी बनाउण दी की लोड़ चलो मैं ब्रेक ले लवां मैं ब्रेक तो वापस आउणा बहुत वड्डा बयान तुसीं दित्ता तुसीं कहिंदे हो कि तत्थां आधार ते बयान देना चाहिए तुहाडे कोल तत्थ की हैगे सबूत की हैगे वापस आके सवाल होवेगा जरूर
एक और फिर थोड़ा स्वागत करते हैं चंद सिंह बराड़। जिहड़ी गल तुसीं कह रहे हो तख्तां वाली, मैनूं बड़ी हैरानी हुई तुहाडे मूंहों गल सुन के। अज तक के पी साहब, जे तुसीं सारियां सरकारां दे फैसले देखो, तो खास करके बीजेपी दी सरकार दे भी कोई फैसले देखो, कांग्रेस ने कोई कम कीता सारयां दे नां तक बदलते, भावें स्कीम उही रखनी होवे। तो यह पहली उदाहरण है हरियाणे दे विच जिहड़ी के कांग्रेस पार्टी के हुड्डा साहब ने कमेटी बनाई, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की मुख्यमंत्री तो ला के सारे जिहड़े लोग बैकअप दे के तो उन्होंने सिरे चढ़ा रहे। और दूजी गल, पड़ताल कर लियो, मैं थोड़े चैनल पर कह लग्या, हालांकि सानू जुडिशरी च पूरा मान सत्कार है, असं उन्होंने खिलाफ़ बोलना भी नहीं चाहते, पर जिते साड़ी धौण ही वढ़ी जाती उसे असं पिछे भी कमेटीए। जिहड़े जज साहब ने फैसला किया उहदा परिवारक तौर पर उहदा तालक आर एस एस नाल, उहदे बाप तो ला के सारा कुछ कढ़ के देख लो, कट के देख लो, मैं तुहानूं हुण कह रहा। इस करके ये सारी की सारी बड़ी वड्डी चाल है। जे अज कमेटी वक्री बनाउणगे तो कल तख्त बनाउण तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं हरियाणा नूं कौन रोकूगा? वह कहणगे जी साडा तां आ है, फिर तुसीं ते मैं जां कोई भी सिख किवें रोक लूगा? इस करके कौम दे विच भंबल भूसा पाउणा चाहुंदे आ। मेरी हथ जोड़ के बेनती है बीजेपी नूं, जे तुसीं सारे देश च राज पा करके नहीं यार रजे तो की साडे गुरुद्वारिआं ते तुसीं कब्जे करके राजे? तुसीं आपदे जिहड़े बाकी दे तुहाडे धर्म नाल संबंधित धार्मिक स्थान आ, तुसीं उहनां च सुधार कर लो जिन्ना करना। क्यों आपां इस चीज़ नूं सानू सिर्फ सानू नीवा दिखाउण लई, मतलब जे इन्ना ही कोई बुरा लगता है। एक मैं कब्जा शब्द चलता हर थां ते, मैं बेनती करा, जिवें तुसीं भी हुणे विच दी दो वारी कह के गए हैं कि बादलों का कब्जा जां बादल परिवार के कब्जे की गल चलती है। 50 लाख के करीब वोटां हैं, तो जिदे चों वोटां हर वारी पिछले वारी भी सारियां धिरां इकट्ठियां होकर साडे खिलाफ़ लड़ियां तो सब ने जमानत जब्त कराइया। आही वक्री कमेटी जिहड़ी जिहदे दे आसरे हुण कमेटी हरियाणा वक्री बनाई है, सारे ने इलेक्शन लड़े तो 5000 तो वध किसी नूं वोट नहीं पई। 11 दे 11 मैंबर साडी श्रोमणी अकाली दल दे जिते सीगे, और 12वां मैंबर हुण उत्थों कोऑप्टेड हैगा। परमात्मा मेहर करे, जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन आपां गल करांगे, तुहानूं दस्सूंगा कि किन्नी। मिस्टर ब्राड, फिर तो काम ही सौखा ना, तुहानूं कदे कोई हरा नहीं सकदा, तुहाडे कोल इन्नी ताकत नहीं। सुन तो लो, सवाल सुन लो, तुहाडे कोल इन्नी ताकत आ हुण तिकर, तुसीं सारयां नूं हराया, मूंह दी खाणी भी जिहड़ा तुहाडे खिलाफ़ खड़ा होया, ते फिर जगीर को तो डर क्यों लगता है? जगीर को तो हरा दो ना, फिर हरा दो, गल खत्म होगी। कोई डर नहीं, कोई डर नहीं किसे तो। देखो मैं फिर दोहरा दिया, सत्कारयोग रहे हैं साडी पार्टी दे, बहुत सीनियर लीडर है। मैं एक गल कहां, और जे मैं ये भी कहने च कोई गुरेज नहीं मैनू कि जिहड़ियां जिहड़ियां उन्हां ते एलीगेशन लगे उन्हां करके उल्टा पार्टी ने भावें नमोशी झली पर उन्होंने कदे नीवा नहीं झाकन दिता सी। अज तक अज पार्टी पहली वारी बोल रही है इस मुद्दे ते, अज पार्टी नूं अखां दिखा रहे है, बहुत बुरी गल है। नहीं, अज पार्टी पहली वारी बोल रही है इस मुद्दे ते। मैं बेनती इह गल दी करदे आं कि कल 12 बजे तक दा हरे भी टाइम है, मैं तुहाडे राहीं भी बेनती कर दिंदा कि बीबी जी पार्टी ने बहुत वारी नमोशी झली है, तुहाडे जिहड़े जिहड़े हालात बने है, तो कृपा करके अज पार्टी नूं लोड़ है, तो पार्टी दे उन्हूं अखां नहीं विखाउणी चाहीदी। मेरी यह बेनती है, पार्टी दे जिहड़ा ऑफिशियल कैंडीडेट है उहदी मदद करो, मैं भी बेनती करदा। इस करके कोई डर नहीं हुंदा, मैं तुहानूं दस्सां, पार्टियां कदे किसी एक इंडिविजुअल बंदे तो नहीं डरदियां। मैं 35-32 साल हो गए मान लो पार्टी लई काम करदा फिरदा, किते मैं चल जां ते मेरे बिना की पार्टी च गड्ढा खड़ जाऊगा? जां कोई भी लीडर समझे कि मेरे बिना शायद पार्टी दा पता नहीं काम ही खड़ जाऊगा, ये उस लीडर की गलत फहमी होंदी आ। हाँ, मैं कहना कि जिवें जहाज समूथ चली जांदा ते बदल दिया एक आ गया की हुंदा बरोला जा, ते उहदे नाल इक वारी ऐ हुंदा ते जहाज एक सैकंड च गांह लंघ जांदा। इस करके ये बेनती है कि पार्टी तो वड्डा कदे बंदा कोई होया नहीं। ये बादल साहब ने हमेशा थीम हरेक वर्कर नूं पढ़ा के रखिया, जिहड़ा कि हरेक वर्कर नूं पढ़न की लोड़ है। हाँ, पार्टी के काम करन दे ढंग च काम करन दे बंदियां दे विच कोई गलतियां कमियां पेशी हो सकदियां, रल मिल के अंदर बैठ के ठीक करन दी लोड़ हुंदी है जे कोई होवे। हो सकदा है बीबी जगीर कौर जे बेअदबी दे मुद्दे ते जां होर जिहड़े धर्म दे प्रचार दे मुद्दे ते कोई वधिया फैसले लै सकन, पार्टी नूं इह विश्वास नहीं है उहनां ते, फिर 4 बारां च पहलां क्यों नहीं आए? हाँ, बीबी जी तो साल पहला ही बदले गए सी। हाँ, फिर उदों लै लैंदे जे कोई लैण वाले रहिंदे सी, क्यों नहीं लए गए? हाँ, जे कोई लए सी, मैं उन्हां दे कार्यकाल नूं कंडैम नहीं करदा, जो कीता बेहतर कीता, मैं उन्हां दी कोई किसे गल नूं नहीं कहूंगा, पर मेरी वे बेनती है कि ये फिर मैंबर तां 156 जिउंदे ने। हाँ, जे उन्हां दा जी करदा ते बाकी मैंबरां दा नहीं करदा? उन्हां तों वध पढ़े लिखे भी हो सकदे आ, कई वध धार्मिक ते वध पार्टी लई काम कीते वाले भी हो सकदे आ। इह नहीं तरीका हुंदा गा, प्रधान साहब साडे पार्टी दे कल्ले कल्ले मैंबर नूं 4-4 वारी मिल चुके आ, और उन्होंने कल्ले कल्ले बंद की गल सुनी, और मैं पहली वारी वेख्या कि 100% यूनानीमसली मैंबरां ने इको गल कही है कि सानू धामी साहब तो बिना कोई कैंडीडेट मंजूर नहीं। फिर इहदा मतलब मन के चलीए कि जगीर कौर हरी तां पक्का ही हार जाणगे, तुहानूं कोई भुलेखा है?
ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 20 ਵੋਟਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ 7 ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਪਿਆ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਕਰ ਲੀਡਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਕੁਪੇਸ਼ੀ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗੁੱਸੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲਿਆ 20 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਡੇ 30 ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਗੀਰ ਕੋ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਆਹਾ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਉਹਦੋਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲਿਆ 20 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰੱਖਣਗੇ ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਰਖੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਖ ਗਲਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਖ ਲੈ ਲਈ ਉਹਦੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉਹਨੇ ਪਰਖ ਲੈ ਲਈ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਪਿੱਛੋਂ ਉਂਗਲਬਾਜ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਘੁਲਣਾ ਅੱਜ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਹ ਹੀਰਾ ਦੇਊਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਜੂਗਾ ਨਲੂਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਜੇ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਢੁਕਦੀ ਬੜੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਪਾੜਤਾ ਪਾੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਰਾਣੀ ਨੇ ਬੈਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਸੀ ਵੀ ਚੱਲ ਖਬਰਾਂ ਨਿਪਟ ਜੂਗਾ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਹੀਰਾ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾਗਾ ਪਰ ਕੰਨ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਹੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਮਤਲਬ ਕਹਾਣੀ ਲੰਮੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਬਣਾਇਆ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਰਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਐਜ ਲੈ ਗਏ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਚਲੋ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਧਾਈ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਕਾਹਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਦਈਏ ਜੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਇਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਦੇ ਇਹਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਚਰਚਾ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਭੱਜ ਲੇ ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਜਿਵੇਂ ਤਿਆਗ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਚੱਲ ਗਏ ਆਪਦੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੂੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਬਣੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤਿਆਗ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 4 ਵਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਖੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਉੱਠਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਵਰਤਦਾ ਫਲਾਨਾ ਵਰਤਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਫੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ ਘਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਚਲੋ ਮੈਂ ਖੁਦ ਗੱਡੀ ਵੀ ਆਪਦੀ ਆਪ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਬਿਰਧ ਜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ SGPC ਦੀ ਵਰਤ ਲਓ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤਿਆਗ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਪੱਕੇ ਔਰ 84 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਦੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ ਲਵਾਂਗੇ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ SGPC ਦੇ ਦੀਆਂ ਜਨਰਲ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਚੱਕਦਾ ਪਿਆ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ
एक और फिर थोड़ा स्वागत करते हैं मिस्टर बराड़। तुम SDP दी जनरल चोणां होणगियां उहदे तुसीं जिक्र ही नहीं करते गए, ना तुम उहदे बाबत कोई वफ़द लैके जाना चाहते हो, ना तुम कोई चिट्ठी पत्री करना चाहते हो, की चक्कर की है? ये सारे कहें एक पास तुम फ्रेंडली मैच भी खेडते पे हो भी इलैक्शन डिले हो ही जाए, पहले तुम कोर्ट का हवाला देंदे रहे, हुण तां नहीं कोई मसला हैगा? देखो दो गल्लां है कि 5 साल तो कुदरती हाउस में मौका ही नहीं मिले काम करन दा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिहड़ा सीगा स्टे दित्ता सी और 5 साल तो बाद हुण जिहड़ा असीं चाहुंदे सी समां भी जिहड़ा 5 साल निकले आ भी वह मिल जाए, वह मिल गया। जदों मर्जी भारत की सरकार जां भारत का इलैक्शन कमीशन जदों मर्जी चोणां करवा ले, श्रोमणी अकाली दल हमेशा हरेक चोण लई तैयार रहिंदा और तैयार रहेगा। एक गल रही गल मंग करन दी, मैं एक बेनती करां कि जदों साडी कमेटी हैगी है तो असी आप ही जाके किस चीज़ की मंग करिए भी असी तो है ही हैं बिच। इस करके जे इलैक्शन कमीशन चोणा करवाना चाहता जो मर्जी करवा लेंगे, जमहूरियत चैलेंज है ना, फिर तुसी मंग ही नहीं करते नहीं, देखो दो गल्लां ने भी मंग असी तो थोड़े राही मैं तो कह रहा भी जो मर्जी करा लें। नहीं तुसी कोई चिट्ठी पत्र लिखा, कोई गृह मंत्रालय चिट्ठी लिखी तुसी, कोई तुहाडा वर्त गया? साडे मैंबर है काम वधिया कर रहे हैं, असी क्यों मतलब आप दी आप कहीए भी जरूर कराओ, क्योंकि चुने हुए नुमाइंदे आ ना, किहड़ा कोई किसी की कोई आए हैगा भी 5 साल पूरे हो गए तो हुण एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर चलन लग गया है, तो चुने हुए नुमाइंदे ना, लोगों के वोटों नाल चुने हुए नुमाइंदे आ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, UPA ਜਾਂ NDA, ਦੱਸੋ ਨਾ ਸਿੱਧਾ। ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲੇ ਆ। ਲੋਕ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਰਹੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੱਦ ਬੁੱਤ ਇੰਨਾ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਨੂੰ 6.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੋ ਜਾਣ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਚੁਣਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੁਣਨਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਕਰ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ? ਇਹ 100% ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂ? ਇਹ 100% ਹੈਗੀ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਜਣ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਇੱਕ ਟੂਟੀ ਜੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਹਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੀਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਟੂਟੀ ਢਿੱਲੀ ਕਰਦੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਜਣ ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਹਵਾ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਹਵਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਖੁਦ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲਈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਆ, ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ 'ਚ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 90-95% ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫੇਰ ਵੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਜੇ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਲੰਗੜਾ ਬਣਾਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਛੱਡਤੇ, ਦਰਿਆ ਸਾਡੇ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ 1-2 ਸਾਲ ਖਬਰ ਹੈ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਠੰਡਾ ਬੁੱਲਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਰਨਾ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਰੇਈ ਮਾਲ ਰਸੂਖ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿਣਗੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੰਨੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਐਂ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ, 2 ਦਿਨ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਛੱਡੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਿਆ, ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਵਾਰ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਤਾ ਲਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਪਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ ਨਾ ਕਿਉਂ ਪਏ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸੋਚਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਥਿਊਰੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਓ ਪਾਰਟੀ ਆਪੇ ਮਰ ਜੂਗੀ। ਹਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ,
अज दिल्ली वांगू सारा कुछ ही चक के ले जा सकते हैं। यह सरदार सुखबीर सिंह बादल ही है जिहड़ा सारे कुछ ते पैर अड़ाई बैठा। बहुत अंदरलियां गल्लां ऐसियां ने जिहड़ियां कि विरोधियों नूं भी तत्तियां लगणगियां और साडे आने वाले समय च भी कई बार बुरियां लगणगियां। जे मैं करांगा नहीं, कई बार दसण की लोड़ नहीं हुंदी। मैं तुहानूं दस दी गल कि साथ सुखबीर सिंह बादल साहब ही है जिहड़े हर थां ते अड़ के जिहड़ा हैगा गल दे अगे अड़दे है। और इस करके मैं बेनती करा कि यह तो विरोधियों की चाल है। पहला बादल परिवार को भंड के बदनाम करके नीवा करने की कोशिश की, हूँ कहते हैं कि इन्हू बदल दो फिर पार्टी चंगी चलूगी। यह तो विरोधियों की गल है ना। इस करके मेरी बेनती है श्रोमणी अकाली दल तकड़ा करने की लोड़ है। मैं हाथ जोड़ के बेनती करता जिहड़ा पंजाब के खिते नाल बैठा है कि जे कोई कमियां पेशियां होईयां जिहड़ी मैं कमेटी बनाई असी दूर करांगे। जे कोई होर भी सुझाव होवे होर भी दिओ, पर पंजाब ते जे कोई पहरा दे सकता है तो श्रोमणी अकाली दल दे सकता है, होर किसी पार्टी ने देना नहीं। दिल्ली च बैठिया तिने पार्टियां काम कर रही हैं, बीजेपी होवे कांग्रेस होवे आम आदमी पार्टी होवे, इन्हां नूं पंजाब नाल है की? मैनूं एक गल दसो, पंजाब दे पाणियां दी गल आई, आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट च लिख के दिता कि दिल्ली ते हरियाणे नूं पाणी मिलना चाहिए। जे बीजेपी है ये पहला इसे तरह करती है, कांग्रेस है इन्हें वड के ही पानी साड़ा देता है, तो पंजाब नाल कौन है? इस करके चंगे हैं माड़े हैं आपकी मिट्टी दे और मिट्टी पिछे लड़ांगे मिट्टी पिछे। तुसी ये गारंटी दे सकते हो कि 2024 तो बाद तुसी बीजेपी नाल नहीं जाओगे? इहदा की लेना देना है? सियासी गठजोड़ किसी भी पार्टी नाल हो सकता है, कितने भी हो सकता है, बदल खुले। पर मैं जिहड़ी गल कह रहा उहदी गल करो ना, पर पंजाब दे हितां नाल समझौता कितने नहीं हो सकता। ये कोई पार्टी हो जी सानू कोई फर्क नहीं पता। चलो कुछ सियासी जो समझौते हैं होंगे रहने हैं और परमात्मा मेहर करे खबर ओपनो। तुसी कुछ आखिरी सवाल, तुहाडे ते इल्जाम है कि तुसी सिख इंस्टीट्यूशंस दे विच दखल दिंदे हो, तुसी सियासी पार्टी नाल सियासी काम करो अपना। देखो दो गल्लां है, साडी सारे मैंबर साहिबान साडी पार्टी वल्लों दित्ती हुई टिकट ते चुण के बणदे आ, और जेडे सिख इंस्टीट्यूशन है उन्हों का जो प्रधान का मान लो फैसला पार्टी करती है तो पार्टी के मैंबर करते हैं तो भावें ना भी किसी गल से दखल दिता होे तो उंगल तो सीधी उठनी उठनी है। इस करके मेरी बेनती है कि जे साडे श्रोमणी अकाली दल के बजुर्गों ने जाना दतियां कैदा कटिया इन्हों हालात गुरद्वार की सामभ संभाल कानून बनाने तो लैके आए हैं तो हक फिर अकाल तख्त साहब ढाने वाले ना थोड़ी है। जेड़ा बंदा जे किसी साजिश का हिस्सा हो जाए तो फिर क्यों नहीं लाना बनता भी? एक गल दसो, उही जथेदार रणजीत सिंह है जिहड़े नूं अंदर बैठे नूं जथेदार भी तां इसे श्रोमणी अकाली दल नहीं बनाया सी कि नहीं बनाया सी? दसो मैनूं तुसीं, बाहर कढ के भी लियाए सी सारियां जद्दोजहद लड़ी। इस करके मैं बेनती इस गल की करा, मेरी हाथ जोड़ के बेनती है। मैं तुहानूं आपके तजर्बे की गल दस दिना के पी जी, जिस दिन तक ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी एस जी पी सी दे विच वैसे एक जिस भी अहुदे ते रहे मैं उन्हां अहुदिआं च नहीं जाऊँगा, मिलते रहे तो बड़िया आराम नाल गल्लां कर लैंदे। जिस दिन दे वो जथेदार बने हैं मैं रब तो डर के कहना कि कोई जरूरत ही नहीं पैंदी गल करन दी, उस थां च शक्ति है ना कि कोई उत्थे बैठा बंदा कोई आया नहीं कि सधारण बंदा रह जांदा है। यह साडे गुरु का तख्त बनाया होया तख्त है तो गुरु के तख्त पर बैठ के बंदा सधारण नहीं रहिंदा। यह ना समझने भी जे एस जी पी सी अपॉइंट करती है तो शायद एस जी पी सी दे डेली नहीं सुनते तुसी एस जी पी सी नूं किवें ओह हदायतां करदे आ जां किहड़ियां किहड़ियां गल्लां करदे आ। इस करके मेरी बेनती है साडे नाल जां श्रोमणी अकाली दल बादल परिवार नाल किसे दा गुस्सा हो सकदा है, कृपा करके अपने इंस्टीट्यूशनां नूं आप ना भंडो। साडे तां विरोधी बथेरे आ साडे ते डंडे चक के खड़े ते आपां आपदे इंस्टीट्यूशन नूं क्यों भंडदे आ? इक आखरी सवाल, इंस्टीट्यूशनां च कोई ऐसा दखल नहीं हुंदा। इक आखरी सवाल, तुसीं अपने 20 वाले चैलेंज ते खड़े हो। 20 वाला चैलेंज मतलब बीबी जगीर कौर जिहड़ा 100% 100% मैं तुहानूं दावे नाल कह सकदा क्योंकि मैं के पी जी अज थोनू मैं जवाब नहीं दे सकया। मैं इसे मैंबर वाले हिसाब किताब च फिरदा सी भी किहड़ा कित्थे आ ते किहड़ा कित्थे आ ते बराड साहब कह रहे हैं जां मिस्टर सुखबीर सिंह बादल भी यही गल कह रहे हैं। देखो साहब सुखबीर सिंह बादल साहब तो शायद इदू भी अगे कहणगे, मतलब उन्होंने तो जिहड़ा सानू अज टीचा दिता कि इदू नहीं टप्पण देना। मैं आपकी कैलकुलेशन कहना है कि पिछले बारी 22 पईआं सी, अज की 20 नहीं पैंदियां, यह मैं रब तो डर के कहना ते हंकार नाल भी नहीं कहिंदा। ते मैं एक बारी आखिरी बार बीबी जी नूं फिर बेनती कर लैना कि बीबी जी पार्टी दी मन्नो, कृपा करके पार्टियां वड्डियां हुंदियां, तुसीं खबरां परमात्मा मेहर करे होर कित्थे पहुंचणा है। इस करके इह पार्टी नूं ते अपने आप नूं प्रीख्या च ना पाओ, चंगे रहेगा। बहुत धन्नवाद चंजी बराड़, तुसीं वक्त कड्डिया।
इस चरण सिंह बराड़ जिन्होंने चैलेंज किया, ओपनली चैलेंज किया, उस चैलेंज का नतीजा 9 तरीक को साढ़े सामने आऊगा। पर चरण सिंह बराड़ तो जो श्रोमणी अकाल दे अकाली दल के प्रधान के सियासी सकत्र ने उन्होंने तो असी तिखे सवाल किए, उन्होंने जवाब ले है, उन्होंने जवाब तुहानू किन्ने ठीक लगे है, किन्ने वजेदार लगे है, फैसला तुसीं करना। पर श्रोमणी अकाली दल अज जे हालात में लंघ रहा उन्होंने बहुत वड्डा चिंतन तो मंथन का विषय, पर वो कहिंदे पंथ हमेशा चढ़ती कला च रहिंदा है। तो हुण जे चढ़ती कला में इन्होंने रहना है तो इन्हों की करना पेगा, किहड़ियां कमेटी दीआं रिपोर्टां लागू करनियां पैणगियां, तो किहड़ियां कमेटियां जिहड़ियां बंदियां पईआं उन्होंने खारिज करना पेगा। सवाल इन्हां अगे बहुत सारे है तो उन्होंने जवाब इन्हां नूं लभणे पैणे। बहुत बहुत